जी जय माता की और जय जय एमबीडी। और मैं आरती चौहान एमपी ग्वालियर में यूपी की रहने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ इस जय एमबीडी परिवार का जो मुझे यहाँ मंच यहाँ पर बोलने का मौका दिया। इन सबके बीच में परिवार वालों के बीच में दिल्ली में आकर के सबके साथ खड़े होने का जो मुझे मौका मिल रहा है ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आज जो जो मेरे साथ बदलाव हो रहे हैं उसका भी शायद मैं इस उम्र में नहीं सोच सकती, लेकिन आज मैं कितनी एनर्जी अपने आप में देख रही हूँ। इतना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एक पावर सा आ गया है, एक हौसला सा बढ़ गया है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब इसने लता जैसी बच्चियां, आजाद सर जैसे लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोग इतने पावरफुल हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो इनको देख देख कर मैं भी आगे बढ़ने लगी। अभी मेरा और मेरे बच्चे के लिए इसमें जो बोलने के लिए बोला गया है, बच्चा तो आज क्लिनिक पर है, यहाँ पे अभी आया नहीं है क्योंकि उसके पीठ में दांत में थोड़ा दर्द था, तो अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, कल से उसको कॉल आ रहा था लेकिन उसने मुझे भूल गया बताने के लिए, तो अभी वो वहीं पे है। अगर उसको समय मिलेगा तो वो आ जाएगा, और नहीं मिला तो फिर मैं अभी बात कर रही हूँ। अगर किसी को मौका मिला तो मैं किसी का बोलने के लिए बोल भी सकती हूँ। कोशिश करूंगी कि आज मैं अपने मन की सारी बात कह पाऊं, क्योंकि एक यही ऐसी जगह होती है जहां हम अपने मन की बात को दिल खोल के कह सकते हैं और सभी लोग बड़े ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। काम करने का जो दिमाग होता है, जो दिमाग पे चढ़ता है, वो अपने आप नहीं होता है। किसी से इम्प्रेस होकर के, किसी कोई मोटिवेट करे, जैसे हमारे बीच में हमारी जिंदगी में ओम सर जैसे लोग, रमेश सर जैसे लोग, दद्दा सर जैसा वट वृक्ष, जड़ अंदर तक मजबूत वाला वृक्ष, ये सब जब एक घेराव में आकर के परिवार बनता है तभी लोग ऐसे काम कर पाते हैं। और फिर हमारे जेएमबीडी के बिजनेस में जो बागडोर अमित सर संवारे हुए हैं उनका तो कमाल ही है, वो कहीं किसी जगह पे गिरने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करते हैं जहां हार हो ही ना अपनी। और प्रोडक्ट तो है ही अपने अच्छे, क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के देख लो, एक छोटा सा दर्द नाशक जो आज लोग मुझसे आकर कहते हैं कि वाकई में मैंने अभी एक लोगों को साबुन दिए 5, वो बोल रही थी कि मैंने अपनी माँ को दिया और वो इतना कारगर है, इतना अच्छा है कि वो लगाते लगाते 10 मिनट के अंदर दर्द बंद होता है, सिकाई करने से या काम में बैठने से, तो अंदर से बहुत खुशी होती है। फिर अंदर से कुछ और कर गुजरने का मन होता है और अंदर से एनर्जी जैसी बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन उन्हें थोड़ी अंदर से एनर्जी होनी चाहिए, उन्हें थोड़ी एथिक्स होना चाहिए अंदर से। क्योंकि एथिक्स का मतलब लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं स्मार्टनेस नहीं है, मैं काला हूँ, मैं सामने स्टेज पे कैसे जाऊंगा या मैं किसी के सामने कैसे जाऊंगी, मुझे मेरे बारे में कोई लोग क्या सोचेंगे, ये उनके अंदर एक भावना सी आ जाती है और वो वहीं पर कमजोर कमजोरी महसूस करने लगते हैं। महसूस होता है उनके अंदर कि मैं वीक पड़ गया हूँ, मैं यहाँ टूट गया हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ गोरा, कहाँ करिया, कहाँ काला, कहाँ मोटा, कहाँ पतला, ये सब कहाँ काम में आता है? बिजनेस में नहीं आता है, ये सब कुछ बिजनेस में काम नहीं आता है, ये सब कुछ नौकरी में भी काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहां उन्हें की छाती कितनी चौड़ी है, लंबाई कितनी है, आपकी क्वालिटी पढ़ने में क्या है, ये सब वहां देखा जाता है जहां हम नौकर बनते हैं। किसी के नौकर बनते हैं वहां 10 धर दिए जाते हैं क्वेश्चन मार्क, और यहाँ में आपको सफल होना है तब आपको अपना नौकर हम बनाएंगे। मालिक तो वो बने बैठे हैं
लेकिन हमें नौकर बनने के लिए भी 10 परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, हम तभी जाएंगे, ठीक है ना? मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अपना मालिक बनने के लिए कोई परीक्षा पास नहीं करनी है, कुछ नहीं, बस अंदर एक एनर्जी लानी है, एनर्जी टैलेंट लाना है अपने अंदर। हमें इस चीज का टैलेंट लाना है कि हम पढ़े हो ना हो, हम गोरे हो ना हो, हमारी आयड अच्छी हो ना हो, लेकिन हमें वो कर गुजरने की ताकत है जो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता और हम कर सकते हैं। ये मोटिवेट अगर वो है अंदर से, मोटिवेट हो गया, जैसे ओम सर ने मुझे आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, हर पल हर वक्त एक इनका क्वेश्चन मार्क मोटिवेशन उनके हमारे पास रहता, नहीं आरती तुम ऐसा नहीं ऐसा कर पाओगी, नहीं ऐसा ऐसा कर पाओगी, और मैं करने लगी तो आज मैं इतनी एनर्जी, इतनी पावरफुल अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं किसी चीज में हार तो सोचती ही नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, आप इस बिजनेस को बच्चा समझो और खुद माँ बन के देखो, खुद बाप बन के देखो। जब अपना बच्चा किसी गाड़ी के नीचे, किसी पत्थर के नीचे दबा होता है ना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम उस गाड़ी को भी उचका सकते हैं, उस पत्थर को भी हिला के अलग फेंक सकते हैं। उस टाइम हमारे पास कहाँ से एनर्जी आती है? बस हमें वही एनर्जी लाना है। उस एनर्जी, जिस दिन वो एनर्जी मेरे पास आ गई, उस दिन किसी में भी दम नहीं है कि हमें पीछे कोई ढकेल सके। कौन कहता कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? कौन कहता है कि हम सुलेखा भार्गव नहीं बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे दो हाथ नहीं है? क्या हमारे दो आंखें नहीं है? सब कुछ है मेरे पास, बस हमारे अंदर एनर्जी नहीं थी, लेकिन आज है। सबके पास एनर्जी है, उसको बाहर निकालो। अरे हनुमान बने तो हम बैठे हैं, राम भी तो आ गया मेरे पास। ओम जैसा राम, रमेश सर जैसे राम, लक्ष्मण और एकदम पावरफुल वाले, मोटिवेट करने वाले, दशरथ जिसकी जड़ मजबूत है, सब तो है हमारे पास। हमें इतना मोटिवेट तो करते हैं, फिर हम क्यों पीछे हटते हैं? क्यों हमें अपनी शक्ति याद नहीं आती है? कहते हैं कि ना, हमें हार को हार के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी 10-15 हजार की किट लगी और 8 दिन बाद वो किट वापिस हुई। जब वो वापिस होके आई, उन्होंने जो कुछ पैसे भी दिए थे वो भी हमसे वापिस नहीं मांगे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं, क्यों नहीं कहा? उस किट को मैंने संभाल के रख लिया, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदर से विश्वास है कि वो एक दिन किट लेने आएंगे, वो ये किट उनके पास ही जाएगी। ये पूर्ण भरोसा है। जब हम किसी चीज पर पूर्ण भरोसा करते हैं ना, तो वो हमारी हमारी हर बात पूरी होती है। एक बार मुकेश सर ने कहा था ना कि हम जो सोचते हैं, तरंगे हमारी ऊपर तक जाती हैं और वो काम मेरा पूरा होता है। उसी विश्वास के साथ, उसी सोच के साथ मैं हर काम करती हूँ। मैं अपने अंदर ऐसी ऊर्जा कोई आने ही नहीं देती हूँ जहां मैं, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं कभी नहीं लड़खड़ाने देती हूँ अपने पैरों को। मैं कभी अपनी उम्र को आगे नहीं आने देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, क्या है उम्र? उम्र थका नहीं सकती। हम उम्र का मार्जन देखिए, उम्र को कह के मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन उम्र हमें थका नहीं सकती है। जब हम रास्ते में जाएंगे, अगर कोई ठोकर लगी, अगर हम उस ठोकर लगी और हम संभल गए, क्योंकि हमें विश्वास है ना कि हम इस ठोकर से नहीं गिरेंगे, तो हम संभल भी सकते हैं। कहावत में कहा गया है कि मेरा छोटा बच्चा था, वो कभी कभी मुझसे कहता था, मैं वो हमसे एक बार बम्बई लेके मुझे गया और उसने बोला कि माँ, जरूरी नहीं है ना कि यहाँ भी साड़ी लपेटो आप,
सूट पहन सकती हो, मेरे साथ सूट पहना करो, किस जिंदगी में जी रही हो। तो मैंने उससे कहा बेटा उम्र देखो, मेरी उम्र क्या है, अब मैंने पहले से कभी नहीं ऐसा पहना ओढ़ा, तो फिर अब मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है थोड़ा। तो उसने मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात बताई और एक बड़ी प्यारी सी शायरी के रूप में उसने मुझसे कहा। उसकी हर चीज मुझे ऐसे लिखी लिखी रखी है दिमाग में, ऐसे लगता है कि 24 घंटे वो शब्द चलते हैं मेरे आमने सामने। वो कहता था कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है, अगर जिद पे हो जीने की तो हार भी हरा नहीं सकती है। सिर्फ हमें जीने की लालसा होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिए, हमें लोगों से टकराने की हिम्मत होनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे बीच है भी और नहीं भी, लेकिन है। मैंने इसलिए कहा कि जो बच्चा मेरे यहाँ जन्म हुआ है उसको मैंने अपने बच्चे के रूप में देखा, और नहीं मैंने इसलिए कहा कि जिस 21-22 साल के बच्चे को मैंने खोया है वो आज मेरे पास नहीं है, उम्र नहीं है मेरे पास, बचपन तो है। तो मैं टूट गई थी, बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। आज सब लोगों ने मुझे ऐसे खड़ा कर दिया कि फिर दोबारा जीने में मजा आने लगा। पहले तो मैं सोचती थी हे माता रानी जिंदगी बहुत छोटी कर दो, मेरी उम्र के जो साल 2 साल 4 साल घंटे 10 घंटे मिनट जो भी बचे हो किसी ऐसे शख्स को दे दो जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, और मेरी उम्र कम कर दो, क्योंकि जीने की लालसा ही नहीं थी। लेकिन आज नहीं, आज मैं ऐसा नहीं कहती, आज मैं ये कहती हूँ कि हे माता रानी कोई ऐसी पूजा बता दो जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ दुनिया को, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहती हूँ कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, किसी चीज का बंधन नहीं होता है। जब परिंदा उड़ना चाहता है तो कटे परों से भी उड़ जाता है, सिर्फ उसे आसमान की ऊंचाई दिखनी चाहिए और जमी की नीचाई दिखनी चाहिए, बीच में क्या होने वाला है उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए। वो आसमान में उड़ेगा और इतनी ऊंचे उड़ेगा, इतनी उड़ान उड़ेगा कि छूने वाले उसे छू भी नहीं पाएंगे, बस एक अंदर से एनर्जी पैदा करो, ठीक है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर जो भरा पड़ा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शब्दों द्वारा निकल जाए। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, 20 करीब 20 होंगे, अभी से ज्यादा होंगे, मैं सबको दिन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब मैं उन्हें दो दो तीन तीन बार कॉल नहीं लगाती, घर से निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बिजनेस में अकेला बढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। बिजनेस को मकड़ी जैसा जाल जब तक नहीं बुना जाएगा, जब तक एक मकड़ी जिस तरह से घर बनाती है उस तरह से घर नहीं बनेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें एक जाल बुनना है, जब उस मकड़ी के जाल में अपने भी हो पराए भी हो, जानने वाले भी हो और अनजान भी हो, और उनके नीचे भी ऐसे ही लोग हो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम बुलंदियों पे पहुंच पाएंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कर्म करना छोड़ दें ये तो गलत बात है। इसलिए आज
जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरे जेएमवीडी परिवार के जो लोग भी सुन रहे हैं, उनसे मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप अपना कर्म करते रहना, आप आगे बढ़े हो तो बढ़ते रहना। जो हमारे प्रोडक्ट हैं हम यूज कर रहे हैं या किसी और को करवा रहे हैं, उनपे शक मत करना, सिर्फ विश्वास करना। और उनको जो भी यूज कर रहे हैं उनको भी ऐसे मोटिवेट करना कि वो विश्वास करने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट तभी लोग विश्वास कर पाएंगे जब यूज कर पाएंगे। तो उन्हें यूजर बनाओ, पहले यूजर बनाओ, जब यूज करेंगे वो अपने आप खिंच के आएंगे। मेरा फंडा नेटवर्क का बढ़ाना था, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे नेटवर्क बढ़ने लगा, मैंने कैसे किटें लगाई, मुझे खुद पता नहीं। मैं तो बोलती जाती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, कब कहाँ कौन लोग कैसे इम्प्रेस हो जाते हैं, कैसे किट लग जाती है, इतना मैं नहीं जानती। लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि मैं लोगों को समझा अच्छे से पाती हूँ। बस अभी थोड़ी कमी हमें बाकी है, ये थोड़ा शब्द मेरे ओम सर को पसंद नहीं है, वो कभी हमेशा ये बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ा ये शब्द मत कहा करो, बहुत ज्यादा, बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत ज्यादा। लेकिन जो कमियां होती हैं उनमें थोड़ा ही लगाया जाता है। मुझमें कमी है कि मैं अभी इस प्लान के बारे में, इस जो बिजनेस का जो तरीका है, जो बिजनेस है, जो बिजनेस में समझाने का तरीका होता है, जैसे हम कलम चला करके लोगों को बिजनेस समझाकर मोटिवेट करते हैं, वो मेरे अंदर टैलेंट अभी नहीं है। मैं मौ से समझाती हूँ, बता भी देती हूँ, लेकिन लोगों को लिख के जैसे अलका मैम समझाती हैं, वो अभी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने अभी इसमें अपना समय नहीं दिया और कोशिश भी नहीं की। दोनों बातें, मैं हमेशा ये सोच रही थी कि मुकेश सर आएंगे, मैं सबसे पहले दिन बैठ के 2 दिन उनके पास यही सीखूंगी कि मुझे किस तरीके से कैसे लोगों को समझाना है, कैसे बिजनेस बतानी है। और बाकी तो मैं आधा काम करती हूँ, आधा तो मेरे सर वगैरह कर देते हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ आता ही है सारा। जिसको मैं नहीं समझा पाती हूँ मैं अमित सर को कॉल लगा देती हूँ, ओम सर को कॉल लगा देती हूँ, वो लोग समझा देते हैं और मेरा काम पूरा हो जाता है। अब जुड़ने को मैंने गुआद से योगेश को जोड़ा है, जो गाड़ी चलाता है, उसको अभी तक ये भी पता नहीं है कि किट के प्रोडक्ट कौन कौन से क्या क्या दिए जाते हैं, लेकिन जेएमबीटी के बारे में सुनने के बाद बंदा जुड़ गया। वो भी बेचारा कोशिश कर रहा है कि हमसे भी 4, 6, 10 जुड़े, और माता रानी की कृपा होगी उसके ऊपर और वो भी कामयाब होगा। बस उसको यहाँ आना है और आना कि ये सब चीजें आकर के समझना है। ग्वालियर में भी बहुत सारे लोग हैं, लाहौर में है, भरतना में है, दिल्ली में है, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जो जुड़े हुए हैं मुझसे, आज किट भी ले चुके हैं। और बस उनको एक बार मंच में बैठालना बाकी है। एक बार वो वहां बैठ गए ना तो सबके नीचे चार चार छह छह हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो सब जुड़ तो गए हैं लेकिन वो देखना चाहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब बिजनेस कहाँ तक जाएगी। क्यों, कोई कह रहा हमने आरसीएम में काम किया, कुछ नहीं हुआ उसमें, नेटवर्क खराब है, नेटवर्क में कुछ नहीं होता है, आपका समय आप फालतू में वेस्ट कर रही हो। लेकिन मैं उन्हें ये सब कुछ समझाना चाहती हूँ कि हाथ में जब 5 उंगली होती है वो पांचों एक सी नहीं होती है, हमारे 4 लड़के होते हैं चारों एक से नहीं होते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। इसी तरह से बिजनेस में भी अलग अलग क्वालिटी है। एक आरसीएम का बंदा मुझे मिला, मैं स्टोर पे बैठी थी, वो आया, उसने कहा कि आप कंपनी के बारे में क्या जानती हो, आपके प्रोडक्ट जो बनते हैं आप जानती हो उनमें क्या पड़ता है, आप जानती हो वो कैसे बनाए जाते हैं, आपने कंपनी देखी है, आप कंपनी कभी गई हो,
तो आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो, किसी को कैसे मोटिवेट कर सकती हो, इतने विश्वास के साथ आप कैसे प्रोडक्ट दे सकती हो? तो मैंने उससे एक ही बात कही, सिर्फ एक बात जो मुझे नहीं कहनी थी, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे फिर भी उससे एक बात कही, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी के गोद में जो बच्चा खेल रहा है वो तुम्हारा है? उस नहीं, तो फिर आप ऐसा क्यों पूछ सकते हो? आप ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? क्योंकि हम किसी पर विश्वास करते हैं, तो जब हम विश्वास करते हैं तो दिल से विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसको अपना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, कि ना कि लोगों की बातों में आकर। आप आए और मैंने आपकी बात सुन ली और मैं आपकी बात मान गई, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? तो पीडीएफ भेजिए आप मुझे। मैंने क्या है, पीडीएफ क्यों भेजूं मैं? नहीं, आप व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए और मैं देखूंगा और मैं आपसे जुड़ूंगा। मैंने उससे कहा आई एम सॉरी, अब मेरे पास आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है और मैं नहीं दे सकती हूँ। हाँ, सुस्वागतम, तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने परिवार में जुड़ने के लिए। जिस दिन आप मेरे परिवार में जुड़ जाएंगे, आपको सारी बातें मैं बताऊंगी और सारी बातें पता चल ही जाएंगी। मेरे अपने ऊपर बहुत सीनियर बैठे हैं जो इन सारी बातों को आपको बताएंगे, मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं फिर भी नहीं बताऊंगी, जानती हूँ तब भी नहीं और नहीं जानती तब भी नहीं। सरोज जी से बोले, आप अपना आप खोल सकती हो ये MD का, खोल के दिखाओ अपना बिजनेस। उन्हें हाँ खोल सकते हैं, उनने JMBD बिजनेस खोला और बस वहीं पे अटक गई। उसके बाद उन्होंने कहा आगे हम नहीं खोल पाएंगे, हमें खोल नहीं दिए। तो वो हमें समझाने लगा, आप पहले कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी में प्रोडक्ट में क्या पड़ता है। मैंने कहा यार ये तो एक भेजा खाने वाली बात हो गई ना, जब मेरे कंपनी के मालिक ने मेरे प्रोडक्टों पे एक एक चीज लिख रखी है, एक एक चीज का आप गूगल में डालिए, जो जो उसमें लिखा है एक एक डालिए, आपको प्रभाव और दुष्प्रभाव पता चल जाएगी। इसमें ज्यादा आगे बात बढ़ाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो समझ गया कि मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ, लोग मुझे उल्टा मोटिवेट करने आ जाते हैं। भाई देखो, मैं जैसी भी हूँ, मेरी कंपनी जैसी भी है, मैं सबसे हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि जैसे अपने माँ बाप नहीं बदले जा सकते हैं, जैसे अपने बच्चे नहीं बदले जा सकते हैं, उसी तरह से कंपनी भी नहीं बदली जा सकती है और बदलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम पैसे कमा कर और पैसे गमा कर हम पैसे फिर कमा सकते हैं, लेकिन दल बदलू नेता, कंपनी छोड़ने वाला शख्स अगर एक बार मोहर लग गई, वो कभी जिंदगी में नहीं बदली जा सकती है, कभी नहीं। और कोई अगर ये बात दिमाग में आ भी रही हो ना, तो प्लीज आने भी मत देना, दिमाग के दरवाजे को बंद कर देना। हम जिस कंपनी में आए हैं ना, वो चार चांद लगाने वाली है, वो आसमान छूने वाली है, क्योंकि हमारे अंदर जो ओम सर ने एनर्जी भरी है ना कूट कूट कर, वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हमें पता नहीं कहां तक ले जाएगी। इसी कंपनी में लोग तरसेंगे, लोग कहेंगे काश मैंने सरोज जी जैसा पहले अपना किट लगा दिया होता, मैंने आरती जी जैसी नेटवर्क में काम किया होता, मैंने अलका और मुकेश सर जैसा समझाने का तजुर्बा पाया होता, मैंने ओम सर, रमेश सर, इन सब जैसा मैंने
लीडर पाया होता है। महेश महेश सर हैं, दद्दा जी हैं, पंजाब में मेरे कई लोग हैं, आजाद सर हैं, आजाद सर की प्यारी सी गुड़िया जो आज से उसने बिजनेस में कदम रख लिया, ये सब सब लोगों का वो सोचेंगे काश इन सबसे हम पहले मिले होते, काश मैंने ये कदम पहले उठाया होता। सिर्फ पछताने के कुछ नहीं होता, पछताना ही रह जाएगा बाद में, क्योंकि ये बिजनेस आगे इतनी बढ़ चुकी होगी, फिर तो आदमी आएगा बढ़ेगा। लेकिन जो ये लोग आगे पहुंच जाएंगे, जो ये लोग गोल्ड अचीवर बन जाएंगे, जहां जहां इनका आज आजाद सर का 1 करोड़ का बंगला बना है, कल वो 1 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, जहां इन सब का स्थान होगा, वो आने वाले लोग बहुत टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। हम मोटिवेट करते हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो हम अभी जनसंख्या को जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन वही जनसंख्या जब हमसे जुड़ चुकी होगी, वही ग्वालियर जब आधी हमसे जुड़ चुकी होगी, फिर आधी में 100 लोग जाएंगे तो वो कहां तक पहुंचेंगे, ये हम सब भूल करते हैं। मैं तो ये कहती हूं कि जिसको जो मौका मिले अपना स्थान बुक करवा दो, काम भले ही 1 साल बाद करना, क्योंकि फिर हमारा स्थान आगे हो जाएगा, काम हम जब करेंगे हम उसी जगह से चलने लगेंगे, इसमें कोई बुराई तो मुझे नजर नहीं आती। और दूसरी बात ये मैंने देखा है कि जब हम कहीं जाते हैं बात करते हैं तो हर इंसान में बिजनेस अपनापन दिखाने लगता है, बिजनेस बहुत अच्छी होती है, बिजनेस में ये ऐशो आराम होते हैं, वो होते हैं, लेकिन बिजनेस में वो तुम्हारी बात कितनी मान रहा है, वो तुम्हारे मुंह पे क्या कह रहा है, पीछे क्या कह रहा है, वक्त आने पे हर बात पता चल जाती है, हर बात। आदमी जुड़ना भी चाहता है, आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन आके अटक गया, लेकिन भी अटक गया, उस लेकिन को पार नहीं कर पाया। जब हम में इतनी ताकत ही नहीं है, अपने इतनी एनर्जी ही नहीं है कि हम लेकिन को पार कर पाए, तो हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही, मैं अपने हिसाब से तो शायद सोच रही हूं कि मैं ठीक ही बोल रही हूं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। लोग मुझे 10-10 बार फोन करके बुलाते हैं, समझते हैं, दवा लेते हैं, यूज करते हैं, पहले दिन कहेंगे भाई रिजल्ट मुझे ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन फिर वही 10 दिन बाद फोन करके कहते हैं कि मेरा फला रिश्तेदार आया है, उसको भी ये चाहिए, आप दिला दो। भाई जब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं लगा फिर आपने क्यों बुलाया, नहीं बुलाना चाहिए था। तो लोगों का क्या, लोगों का तो कहना बनता है ना, जो जिसको आएगा समझ में, जो हमने किया वो हमें मिला, हमने भी 4 साल यही किया। अब होता क्या है कि हम जब कोई हमसे थोड़ा बड़ा होता है या फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ इनके घर जाने में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सेल्समैन समझने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हर लोग तो ये समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, मैं जगह जगह प्रोडक्ट बेचने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी अनजान के दरवाजे पे जाऊंगी तो लोग यही समझेंगे, और यही आकर के कहानी लोग समझने लगते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसे तो पता नहीं लोग आते हैं और जाते हैं चले जाते हैं। लेकिन जब लोग वही लोग घर पे आते हैं मेरे और देखते हैं तो वो सामान नहीं लेते हैं, किट लगाते हैं, वो बोलते हैं कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो तुम काम कर रही हो, अगर तुम काम कर सकती हो तो हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज अटक गई ना, वहां तक हम पहुंचे कैसे। भाई जो हमसे थोड़े बड़े हैं ना,
जो हमसे थोड़े पैसे वाले हैं ना, उनके यहाँ तक हम पहुंचे कैसे? हम खुद ये सोचते रहते हैं कि हम उनके घर जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे, हम यहाँ अटक जाते हैं। लेकिन हमें किसी ना किसी तरह से प्रयास करना चाहिए वहां तक जाने का। फिर मैंने एक फंडा लगाया, मैंने सोचा कि जहां मुझे पहुंचना है वहां कैसे पहुंचूं। मैंने एक घर में अपनी बहू से बैठ के, पूजा से, एक तैयार किया। उसमें अपने हिसाब से प्रोडक्टों के बारे में, बिजनेस के बारे में, दवाओं के बारे में, इस तरह से कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में क्या फर्क है, ये सारी चीजें मैंने घर में लिखवाई। और लिखवा करके फिर उस पर्ची को छपवाए। अब मैंने ये एक नया तरीका सोचा कि जिससे मैं सामने बात नहीं कर पा रही हूँ, जिससे मैं सामने खुल के बोल नहीं पा रही हूँ, उसको मैं नंबर डाला अपना, कांटेक्ट नंबर, और पर्चा डाल दिया उनके घर पे। जब भी मैं गई, मिली जुली बात की, इधर उधर की, एक पर्चा छोड़ा और चली। आदमी गौर से पढ़ेगा, फिर वो मुझे कांटेक्ट करेगा और बोलेगा ये क्या चीज थी, ये तुम कर रही हो कोई और कोई कर रहा है। उस टाइम पे तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं, नंबर मैंने इसलिए अपना छोड़ा कि मेरे कांटेक्ट में तुम हो, मेरी समदिन सरोज जी कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बिजनेस, ऐसा ऐसा तरीका है, और मैं, वो आएंगी तो मैं उनसे आपको थोड़ी बात करा। एक बार उन्होंने इंटरेस्ट लेना चालू किया और थोड़ी सी उनसे बात कराई, और फिर अपने खुद बात करने लगे। ऐसे में धीरे धीरे अंदर घुसने लगी, ऐसे में धीरे धीरे उनके मन तक पहुंचने लगी। वो बिजनेस करें ना करें, लेकिन वो मेरे प्रोडक्टों में, मेरे साबुन, कोलगेट, हींग और जो सोयाबीन बड़ी है, इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। धीरे धीरे उनको तुलसी भी है, हाँ ठीक है तुलसी भी अच्छी चीज होती है, लो मैं इसको भी पीती हूँ। तो क्या है, मैं उनके घर तक गई, क्योंकि वो मेरा जाने का जरिया था उनके दरवाजे से अंदर जाने का। लेकिन मेरे जेएमबीडी परिवार के प्रोडक्ट उनके घर गए, क्योंकि मैंने एक तरकीब सुझाई। इसलिए तो ये छोटी छोटी बातें हम सब कर सकते हैं, सबके अंदर होनी चाहिए, कि जिससे हम बात ना कर सकें, जिससे हम बात करने में थोड़े हिचक रहे हों कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अपने पार्टनर को बात करवा दो। फिर धीरे धीरे जब वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे, हम खुद उनसे बात करने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही मैंने आज एक भिंड की थी, जो मेरी ननद की ननद लगती थी, उनसे मैंने बात खुद डायरेक्टली नहीं की, क्योंकि वो मैं बात करती क्या भाभी, ये वो इधर उधर की वो बात करती, क्या मजाक कर रही हूँ। मैं, सरोज जी मेरे साथ थी और मैंने सरोज जी को फोन पकड़ा दिया, उनसे बात करवाई। वो इतनी इम्प्रेस हुई बात करने में कि वो ये कहने पे मजबूर हो गई कि मैं जिस जगह पे रहती हूँ उस जगह पे इतने लोग प्रॉब्लम्स में हैं कि आप प्लीज संडे को ही आ जाओ मेरे यहाँ पे, और कुछ ना कुछ ऐसी दवाएं लेके आना जो उनको थोड़ा फायदा करे और उनकी बीमारी ठीक हो, और हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे और भी कई लोग जुड़ेंगे। ये होता है कि हम जब जाते हैं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं, या तो अपना दुष्प्रभाव या अपना प्रभाव। हम जब दुष्प्रभाव छोड़ते हैं तो हम उसके दिमाग में बास करते हैं, और जब प्रभाव छोड़ते हैं तो हम दिल में बास करते हैं। बट हम पहुंच तो गए उसके घर पे, ऐसा तो है नहीं कि हम पहुंचे नहीं, हम तो उसके घर में पहुंच चुके हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो मेरे बारे में सोचेगा और सोच के कॉल करेगा। मेरी फ्रेंडें थी, बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिनको मैंने ओपनिंग में बुलाया, वो आई भी, उन्हें सब कुछ देखा सुना और ताली बजा के चली गई। उन्होंने एक भी प्रोडक्ट मेरी दुकान से, स्टोर से नहीं लिया। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं बराबर कॉल करती रही, मैं उनके घर गई,
वही व्यवहार, वही हंसी मजाक, वही सब कुछ। आज वही मेरी सारी फ्रेंड है। मेरे यहां से पांच पांच साबुन, कॉलगेट, बालों का तेल, साइन प्लस, ये सारी चीजें खुद अपनी इच्छा से लेके गई। खुद मुझे बुला के बोलती है, पड़ोस में एक लोग हैं जिनका गला नहीं खुल रहा है, जिन्हें खांसी ठीक नहीं हो रही है, आप आ जाओ प्लीज दे जाओ। खुद उन्होंने अपनी तरफ से, मुझे प्राउड हुआ, क्योंकि मैंने देखा है किसी के पीछे भागने से लोग समझते हैं कि ऐसे ही होगी, कंपनी खाऊ कंपनी होगी, भगने वाली होगी, ये तो पागल है, मैं क्यों उनके पीछे पड़ूं। लेकिन जब हम उन्हें एक बार मोटिवेट करने के बाद शांति से घर बैठ जाते हैं ना, तो वो खुद दौड़ के मेरे पास आते हैं। जब लोग दौड़ के मेरे पास आते हैं तो इतनी मजबूत पकड़ होती है कि वो छुड़ाने पे भी नहीं छूटते, क्योंकि वो खुद आए। और प्रोडक्ट तो मेरे हैं ही लाजवाब, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैंने जो जो आज जिस जिसको भी दिया है, पाइल्स की मैंने बर्तना में अपनी किट पहुंचाई, तो वहां पे वो बंदा ये बोल रहा था कि मैं बस मरने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग आ रही थी उसको कि उसने मुझे कॉल करके सामने से कहा कि दीदी, एक बार सिर्फ आप अपना विश्वास के साथ कुछ भी उठा के दो, अगर फायदा कर गया तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा, वरना मैंने सब कुछ करा के देख लिया, ये ब्लीडिंग मेरी बंद नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान। और मैंने उसको पहुंचाया, उसने खाया, 8 दिन बाद उस बंदे का कॉल आता है, दीदी मैं तो एक बार ही टेबलेट ले रहा हूँ, मैं तो एक बार ही तुलसी ले रहा हूँ, मुझे तो बहुत फायदा है, मेरी तो ब्लीडिंग बंद हो गई। मैंने कहा नहीं भैया, आपको 15 दिन दोनों टाइम दूध के साथ लेना है, आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है तो क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुई है, वो फिर दोबारा भर सकती है मसों में, फिर दोबारा आ सकती है, आप टाइम से दवा लीजिए, टाइम से आप त्रिफला मैंने लगाया था, उससे पेट साफ होता है, आप टाइम से पीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा रिलीव हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपके मुंह से ये सुन के, लेकिन आप दवाओं में कोई लापरवाही मत कीजिए, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। उसने एडवांस में मुझसे और दवाएं मंगा ली। अंदर से बहुत खुशी हुई, जब कोई ठीक होता है ना तो अंदर से खुशी होती है। कहते हैं ना कि काम करो ऐसा जो पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा जो निशान बन जाए, ये जिंदगी तो बस काट ही लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। कोई नहीं जानता था मुझे, लेकिन आज सब जानते हैं, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैंने जिस दिन काम करना चालू किया, उस दिन सिर्फ काम करना ही नहीं चालू किया था, उस दिन मैंने दिमाग लगाना भी चालू किया। बिजनेस का एक ये फंडा नहीं होता है कि मैंने किट लगाई और बस चल पड़ी मैं प्रोडक्टों को लेकर के मोटिवेट करने के लिए, नहीं, बिजनेस का फंडा होता है फैलाओ। हम जितना गहरा कुआं खोदेंगे, जितनी गहरी बोरिंग करेंगे, उतना ही शीतल और अच्छा पानी निकलेगा। इसी तरह से हमें गहराव चाहिए, हमें आगे बढ़ने का एक दिमाग में सोल्यूशन होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरी दवा, हम कप सिरप लेके गए और उसको अर्जेंटली मैंने कहा कि, उसने कहा नहीं, मुझे कल तुरंत मुझे फायदा करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं, मैं पूरी रात बैठी लेकिन मुझे कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही। अब मुझे भी पता है कि आयुर्वेदिक दवा है, मैं आज दूंगी शाम को और सवेरे खांसी बंद हो जाए, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं किसी को धोखे में नहीं रखती, मैं सब बोलती हूँ कि आप दवा भी खाइए, तुलसी पीजिए, आप पानी मत पीना, आपकी 1-2 दिन में बिल्कुल रिलीव होगा और कम खांसी तो 2-4-6 घंटे में होगी, लेकिन आपको जब अगर और ज्यादा जल्दी रिलीव चाहिए तो प्लीज आप अपनी होम रेमेडी को यूज कर सकती हैं, जैसे कि हम तुलसी कूट लेंगे और अदरक का रस निकाल लेंगे,
उसमें एक ढोरा मिर्च और एक लौंग कूट के डाल लेंगे और शहद में मिला के चाट लेंगे, वो तुरंत आपको खांसी को रोकेगा और हमारी ये दवा आपको जड़ खत्म करेगी। हमारा इतना बताने में क्या गया, ये तो हम सभी यूज करते हैं ना, शायद वो भी यूज करता होगा, लेकिन उसको अच्छा लगा मेरा सच बोलना। मैं हमेशा सच बोलती हूँ, जो जितना फायदा करता है मैं बोलती हूँ, नहीं फायदा करता है मैं तुरंत कह देती हूँ कि हाँ भाई फायदा नहीं किया उसको सामने वाले तो, नहीं किया। इसमें क्या आयुर्वेदिक चीज है ना मेरी, मुझे पता है कि अगर वो फायदा नहीं करेगी तो वो नुकसान भी नहीं करेगी, लेकिन उसको अगर विश्वास के साथ यूज करोगे तो जड़ खत्म करेगी, लेकिन अर्जेंटली नहीं कि आपने शाम को खाई और सुबह जड़ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसकी तह तक जाओ, उसके विश्वास के तक यूज करो उसको, उसके यूजर बनो, फिर आपको पता चलेगा ना कि क्या सही है क्या नहीं। हमारी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो हमारे सेल्सों पे काम करती हैं, जो एलोपैथिक है वो तो हमारी बीवी को बीमारियों को दवा देती है, ये सब जानते हैं, और जानकर ही हम लोग वहां जाते हैं। हमारी सास को कैंसर था और उनको 2 महीने तक कैंसर था, लेकिन हमको किसी को पता नहीं था, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था, किसी को पता नहीं था। वो अपने ऐसे ही दवा उल्टी सीधी थोड़ी देसी वेसी लेती रहती थी, क्योंकि उनको ये पता था कि मुझे पीलिया हो गया, पीलिया झड़वा रही है, देसी दवा खा रही है, कभी मूली कभी गन्ने का रस कभी कुछ ऐसे ही करती रही, और उनके 2 महीने बड़े आराम से कट गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, दोनों तीनों टाइम खाना खाती थी, बढ़िया तैयार होती थी, बढ़िया चोटी बना लेती थी, बैठती थी, यहाँ तक कि मैंने जब एमए का फार्म डाला तो मैं फार्म डालने चली गई, तो जब मैं लौट के आई, मैं उसी दिन लौट के आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मेरे लिए पूरा खाना बना के रखा था, इतनी चैतन्य थी उनके अंदर में। लेकिन कहते हैं ना कि एक ये चीज थी कि मेरी सास है और उनकी तबीयत खराब है, मैं झाड़ा फूकी में लगी हूँ या मैं देसी दवाओं में लगी हूँ, तो लोग कहने लगे थे कि आपकी तो सरकारी जॉब है, आप ग्वालियर में दिखाओ इनको। मैं लेके आई ग्वालियर में, और ग्वालियर में जब उनको दिखाया, जब सारे उनके चेकअप हुए तो कैंसर निकला। पहली बात तो आधे तो लोग तभी मर जाते हैं जब कैंसर सुनते हैं, और पूरे तब मर जाते हैं जब डॉक्टर टच करती है। जैसे ही उनकी दवाएं चालू हुई एलोपैथिक की, और वो घर वो नहीं, मेरे बीच से वो नहीं रही और चली गई। ये अंग्रेजी दवा एलोपैथिक, जिससे डॉक्टर को भी हम कुछ नहीं कह पाए, वो 2-4 लाख रुपए दे के बड़े आराम से चले गए, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। वही अगर हम बिना टच कराए रिपोर्ट लेके, अगर हमें पता चलता है हमें ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, हम आयुर्वेदिक दवा करवाते हैं और पे विश्वास करते हैं, तो मैं वादा करती हूँ कि बॉडी पे नहीं वो सेल्सों पे काम करेंगे, और जब आपके सेल्स मजबूत होंगे, जब आपके सेल्स मजबूत होंगे तो आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखेंगे और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये अमित सर बताते हैं जब हम कभी बात करते हैं आपस में बैठ के, जब डिस्कशन करते हैं, कभी जब अमित सर हमसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, उनके अंदर ऐसा कूट कूट के ज्ञान भरा है, और मैं उनकी बात को बहुत अच्छे से कवर करती हूँ, और बस वही सब चीजें मैं अपने पेपर पे उतारती हूँ। हमारे जब कोरोना वगैरह हुआ तो कौन सी अंग्रेजी दवा सामने आई, कुछ नहीं, आयुर्वेदिक ही सामने आई, आयुर्वेदिक ने ही लड़ा उनसे, लड़ाई कोरोना से लड़ाई सिर्फ आयुर्वेदिक ने ही की, जो आज सबके सामने खड़ा है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग एलोपैथिक में तब जाएंगे जब एंड समझने लगेंगे, सोचेंगे कि आप मुझे अर्जेंटली दवा चाहिए, मैं नहीं तो मैं कल मेरी मृत्यु हो जाएगी, वरना मुझे आयुर्वेदिक से ही रिलीफ मिलेगा और मैं आयुर्वेदिक से ही ठीक हो जाऊंगा, बीमारी बढ़ने से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम पहले से उसको यूज करेंगे और हमारे सेल्स मजबूत होंगे
हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियों से लड़ने की बराबर क्षमता होगी, तो हम बीमार होंगे ही क्यों जो हम मरने तक की नौबत है। ये सब चीज पहुंचाने के लिए एक नहीं दो नहीं, हर इंसान को मोटिवेट करके आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति को अपने दो दो चार चार जानने वालों को, रिश्तेदारों को मीटिंग में बैठालना है। जब वो मीटिंग सुनेंगे, मीटिंग के बारे में जानेंगे, इन प्रोडक्ट से मोटिवेट होंगे, इनकी हकीकत जानेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। या तो आप उनको यूजर बनाइए या आप उनको मीटिंग में बैठा। सर मैं बोलते बोलते मेरा टाइम हो गया, और गुंजन जी बोलना चाहती थी, और मैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सॉरी गुंजन जी को चाहती हूँ कि गुंजन जी अपनी बात रखें, उसके बाद फिर मैं इस मीटिंग को पूरा करूंगी। अगर मेरी आवाज जा रही है सर तो आप गुंजन जी को मौका दीजिए बोलने का, उनका माइक। हेलो सर, हेलो हेलो, सर आवाज आ रही है मेरी? शायद आवाज नहीं आ रही। गुंजन जी सॉरी, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अभी देखते हैं अगर आवाज पहुंचेगी तो मैं अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो दीपा और सरोज का साथ मुझे मिल रहा है, जो अमित सर वहां से इतनी दौड़ भाग करके कभी ग्वालियर कभी इटावा कभी भिंड जाते हैं और सबकी सुनते हैं और सबका सहारा भी बनते हैं, हम लोगों का एक सहारा सा बन गए वो। क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपके डॉक्टर, तो जब डॉक्टर आते हैं, हमारे डॉक्टर आते हैं, तो मैं उनके बारे में बताती हूँ और कभी उनसे कॉल से बात करवा देती हूँ, मिलाने की भी कोशिश करती हूँ, लोग आ जाएं तो मैं मिलाना भी चाहती हूँ, लेकिन ज्यादातर तो कॉल से बात हो जाती है और सर उनकी कॉल पे समस्या सॉल्व कर देते हैं और लोग दवा लेते हैं और रिलीफ महसूस करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस जेएमबीडी परिवार में जेएमबीडी प्रोडक्टों को बेचने से ज्यादा आप 15,000 की किटों पे मोटिवेट करिए, 15,000 की किट लगाइए। 15,000 की किटों में क्या है, मैंने ये देखा है कि इसमें सामने वाले को भी फायदा है और हमको भी फायदा है। सामने वाले को 22,500 का प्रोडक्ट जाता है, जिस एक एक प्रोडक्ट में इतनी दम इतनी ताकत है कि उसकी हर बॉडी की वीकनेस को दूर करता है, चाहे अपना वंडर लाइफ हो, चाहे वुमेन शक्ति हो, और चाहे तो फिर चाहे मतलब कोई भी हो, कोई भी रेड एलोवेरा हो, कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए आप, उसमें बहुत पावरफुल है और बॉडी पे काम करते हैं। जो एक बार यूज करता है उसको 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने अपने पति को भी यूज करवाए, मैंने अपने बच्चे को भी यूज करवाए और बहू को मैंने वुमेन शक्ति यूज करवाई, तो मैंने अपने घर में सबको यूज करवाए, तो उनका जो मैंने रिजल्ट देखा है ना वो बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरा बेटा अमन चौहान, मैं आरती चौहान, मैं दोनों मिलकर के इस काम को इतना ऊंचा करूं, इतना आगे बढ़ाऊं कि एक मिसाल ही बन जाए। एक माँ अगर चाहे तो बेटे को कहां से कहां नहीं पहुंचा सकती। आप फोकस करते हैं पढ़ाई पर, मत करिए फोकस। बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं तो आगे बढ़कर के 1,000 राहें खड़ी हैं, उनमें से कोई एक राह चुनिए और बच्चे का सहारा बनिए, और 100% बच्चा आपका इतनी बुलंदियों पे पहुंच जाएगा जिस जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं वही सपना लेकर आगे चली हूँ और बराबर ही मैं सपना देखती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो एक दिन पूरा होगा। शायद मेरा छोटा बेटा चाहता था कि मैं विदेश जाऊं,
इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर ये करूं वो करूं, उसे बहुत ललक रहती थी घूमने की फिरने की, ये सब कुछ करने की। ये तो मेरा बड़ा बेटा अमन, माँ बाप की सेवा में, माँ बाप के साथ, उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, जॉब भी नहीं की, क्योंकि उसको दुनिया में आगे सबसे ज्यादा उसके लिए दौलत है कोई तो उसके माँ बाप है। एक समय में वो कोटा में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहां से आया तो मैंने बोला कि गिरिराज जी चले जाओ, परिक्रमा लगा के आओ। बोले कि क्यों? मैंने कि भगवान है, परिक्रमा लगाई जाती है, हमें आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। मैं तो यूं ही बातें कर रही थी और प्रवचन दे रही थी, और वो उठा एकदम तत्काल में और मेरी परिक्रमा लगा के और मेरे पैर छू ली। वो बोला कि मेरे लिए तुमसे बढ़ के ना तो कोई भगवान है और ना कोई इंसान है, मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुमसे ही खत्म होती है। मेरा बेटा खुल के कह नहीं पाता कभी कि मैं माँ को कितना प्यार करता हूँ, कितनी इज्जत करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। लेकिन अगर उससे मैं कह दूँ ना कि आज ये करना है तो फिर वो करना है। मैंने यूं ही बोल दिया, मैं बिजनेस में उतरी, मैंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ बिजनेस करनी है। उसने बिना सोचे बिना समझे बिना कुछ पूछे तुरंत किट लगा दी और मेरे साथ चल पड़ा। अनजानी राह पे वो चलने लगा था क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ उसके साथ है। आज उसकी माँ मैं ही नहीं, उसकी माँ जो मेरी माँ जक्की माँ है, भगवती मेरी कुल देवी, मेरी माता रानी, जो सबके साथ है, वो भी उसके साथ है 24 घंटे। इस विश्वास के साथ वो इस बिजनेस में चलने लगा और आज इतने आगे पहुंच गया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हर माँ से, हर फैमिली से, कि बिजनेस में फोकस करो ना करो, लेकिन बच्चे को इतना मोटिवेट भी मत करो कि नहीं नहीं तुम्हें नौकरी ही करनी है, तुम्हें नौकर ही बनना है। उसके साथ चलो उस राह पर जो राह सही लगे, हमें उस राह को तय करना है आगे चल के, जो हमारे राह में अगर कांटे हैं तो लाखों फूल भी होंगे। कुछ दुख के बाद कुछ सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। जब जब सुखियां सुख सब उसी से सुखी से, संसार में चार चांद लगे होते हैं और जब कोई एक ग्रहण पड़ता है तब आदमी टूट जाता है। अगर आदमी वहां संभल जाए तो किस बुलंदियों पर जाएगा ये कोई नहीं सोच सकता। 10 गिरते हैं उसमें से एक उठता है वो फिर चढ़ने लगता है, फिर 10 उसको देख के उठते हैं और उसके साथ चलते हैं, फिर गिरती है, लेकिन एक फिर उठता है फिर चलने लगता है। 10 उसको देखते हैं फिर कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से 8 ही आगे चल पाती है। ऐसे ऐसे कर कर गिरते 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 सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है जो आगे उठता है, वो आगे चलता है। वही बंदा वही बंदी बनती है सुलेखा भारू, वही बंदी वही बंदा बनता है अमित सर, सुरेश सर, ओम सर। इनमें वो क्वालिटी आ जाती है कि 100 को खड़ा कर दो तो 100 को 1 सेकंड में मोटिवेट कर देंगे, ये क्वालिटी होती है उनमें। लेकिन कब? गिर के उठने के बाद। ये सारी चीजें हमें दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, गिरने के बाद उठकर चलना, हार के बाद जीत, ये सब इन सब के बाद ही मिलता है। आप ये कहें कि आप एकदम खड़ी हुई और चल पड़ी और आपको ताज मिल गया, आई एम सॉरी, ये गलत होगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करती रहेंगी तो आपकी हार भी नहीं होगी, आप जीतेंगी। और मैं इस 23 अप्रैल को जो एनिवर्सरी होने जा रही है, जो कार्यक्रम होने जा रहा है,
100% तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने सपना देखा है, जो ओम सर ने सपना देखा है, वो पूरा हो, मेरा ही नहीं, मेरे साथ सरोज जी का, दीपा जी का, अलका जी का, और मेरे साथ जो भी जितने बंदे हैं, योगेश हैं, गुंजन जी हैं, ये पुरानी छावनी से विक्रम जी हैं, और बहुत लोग हैं जो जिनकी मैं यहाँ से मेरी एक कॉलोनी छोड़ के दूसरी कॉलोनी से सावित्री जी हैं और सरता जी हैं, जो आज अभी 1 महीने से थोड़ी वीकनेस में थी, बीमार थी, अब ठीक है, वो अभी अब काम करने पे चालू हो रही हैं। सभी वहां तक पहुंचे और सभी को वहां स्वागत हो और आगे बढ़ने का उनका हौसला बढ़े, मोटिवेट हो। सभी एनिवर्सरी में जाकर के एक बार झंडा फहरा दे JMBD का, एक बार वो सपना पूरा हो जाए कि लाखों की भीड़ हो और आगे एक JMBD का झंडा हो और उसके साथ दद्दा जी चल रहे हो खुली हुई कार में, हाथ लहराते हुए, लोग जिधर भी देखें उधर JMBD की जयकारा, JMBD की जयकारा इतनी तेज तर्रार पे होती नजर आए कि माँ भगवती शेरावाली को भी वहां से आकर के मेरे दद्दा जी को आशीर्वाद देना पड़े कि बेटा तूने मेरे नाम को जिस तरह से ऊंचा किया है, जिस तरह से गूंज लगवाई है, जा तेरी कंपनी उसी तरह से ऊंचाइयों पे चढ़ेगी। ये अभी तक ये सब मोटिवेट करते थे, फिर मेरी माँ भगवती खुद मोटिवेट करेंगी दद्दा जी को आकर, ये सपना है, मेरी माँ आएंगी किसी ना किसी रूप में आएंगी और ये मेरा विश्वास है कि ये होगा, एक दिन ऐसा होगा, मेरा सपना साकार होगा मेरे मरने से पहले, ये सब कुछ मैं अपने आंखों से देखूंगी। गोल्ड अचीवर बनते हुए भी मैं अपने लोगों में सबको देखूंगी, सबको उस लाइन में मैं खड़ा होकर देखूंगी कि जिधर देखूंगी उधर मुझे गोल्ड अचीवर ही दिखेंगे। ये सब कुछ मैं इन चीजों को अंदर से फील करती हूँ, देखती हूँ और महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा हकीकत, और भगवती की से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरा ये सपना साकार हो। अब मैं एक अपनी तरफ से एक अपने घर की बात कहना चाहती हूँ कि मेरे कोई लड़कियां नहीं थी और मैंने बहुतों को जो मेरे सामने आता लड़की के रूप में तो मैं उसको लड़की ही बना लेती थी और मैं अपनी लड़की देखती थी हमेशा, लेकिन कहते हैं ना अपनी तो अपनी होती है, पराए कहाँ इतना साफ निभा पाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, कन्यादान लेकर, सब कुछ लेकर, बहुत आगे बढ़कर, लड़कियों के साथ जुड़कर, कि किसी में कोई भी तो ऐसी होगी जो मुझे अपनी बच्ची का नजर आएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी देवरानी की भी कोई बच्चियां नहीं थी, मेरे मायके में भी किसी की कोई बच्ची नहीं है, मैं ही अपने मायके में अकेली लड़की हूँ और मेरे यहाँ भी किसी की बच्चियां नहीं, मेरे यहाँ भी कोई नाते बती कुछ नहीं हुई, बहू की भी लड़की है, तो मैं इस चीज से बहुत वंचित थी, ऊपर से मेरा लड़का भी चला गया तो बहुत दुखी थी। लेकिन सरोज सिकरवार ने एक ऐसे रत्न को पैदा किया कि शायद उसको मैं अपने कोख से पैदा करती तब भी वो मुझे इतना प्यार नहीं कर पाती। इतनी प्यार करने वाली बहू अगर किसी को मिलती है वो माँ किस्मत वाली होती है, बहुत किस्मत वाली। आज मैं अपने पति को राजा दशरथ, मैं अपने आप को सीता जैसी बहू की, कौशल्या या कैकेयी, अब ये सब कुछ नहीं बनना चाहती, अपनी बहू पूजा की सास रूपी माँ गर्व के साथ कहती हूँ कि वो मेरी बहू है। और बहू के रूप में जो सरोज सिकरवार ने जो बेटी दी है मुझे, वो प्राउड करने लायक है। उसने मैं उसको
वैसे तो ईश्वर की दया से कुछ कमी नहीं है, खाता पीता घर है। मैं चाहूँ तो कल मैं कुछ भी लेके, ये अभी मैं बैठी हूँ तो इतनी तो है ही मेरी मालकी कि मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन उस बहू ने अपने पास से अपने पैसे जोड़ करके, किसी से ना मांगते हुए, पति से या ससुर से किसी से ना मांगते हुए, जब उसने 10-11 हजार की घड़ी लेकर के मुझे गिफ्ट की, उस टाइम उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा, इजहार ही नहीं किया। लेकिन दुनिया की सारी दौलत मिल गई मुझे, एक बेटी ने माँ का दिल जीत लिया। हे माता रानी, अगर ऐसी बेटियां मिले तो अगले जन्म में मुझे 10 बेटी देता, मुझे स्वीकार है। और सरोज जैसी सबने मिले तो 10 लड़के भी देना, क्योंकि सरोज को सबने सिर्फ लड़के की माँ बन के और लड़की की माँ के रूप में ही मैं देखना चाहूंगी। और वैसे मेरी बहुत खुशहाल जिंदगी, ये मेरे पर्सनल चीजें आप लोगों को इसलिए शेयर की कि मैं उससे नहीं कह पा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बहू को कुछ कहूँ चंद शब्द, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। आज उसके बच्चे की छुट्टी हो गई, मैंने उससे कहा कि अपने घर चली जाओ 4-5 दिन के लिए हो आओ, तो मेरी बाइक छूट गई, वो अभी काम पे नहीं आ रही थी, मैट के ना आने से वो नहीं गई। उसने कहा मम्मी मैं नहीं जा सकती क्योंकि इतना बड़ा घर है और आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, जब तक मैट नहीं आती मैं नहीं जाऊं। सोचिए किसकी बहू ऐसी होती, लेकिन मेरी बहू है आरती चौहान, मेरी बहू ऐसी है। भगवान से मैं विनती करती हूँ कि हर माँ को ऐसी बहू मिले, हर पति को ऐसी पत्नी मिले, हर माँ को ऐसी बेटी मिले। प्राउड है मुझे, हे माता रानी, मेरी बहू और मेरे बच्चे की इतनी बुलंदियों पे नाम करना कि लोग आरती चौहान के नाम से नहीं, अमर और पूजा चौहान के नाम से आरती चौहान का नाम जुड़े, और इतनी लंबी उम्र करना कि वो अपने संती तकों की बहुओं की शादी कर ले, इतनी लंबी उम्र देना। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और मैं आपसे तहे दिल से इस परिवार को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोग मेरी पर्सनल 4 बातें भी सुन लेते हैं और बोर नहीं होते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसी तरह से हमें मौका देते रहें, और मैं कुछ ना कुछ अपने मन की भड़ास निकालती रहूं, और आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहें और मैं आगे बढ़ती रहूं। और मैं सबका अपने JMBD परिवार में, सभी का, चाहे वो रानी हो, स्नेहा जी हो, अलका जी हो, मुकेश सर हो, महेश सर हो, या संजय सर हो, हमारी प्यारी नन्ही सी पंजाब की परी हो, आजाद सर हो, दीपा जी, सरोज जी, इटावा से सब JMBD के परिवार के लोग, हमारे ग्वालियर के डिबो के भदौरिया सर, जो भी है, जितने लोग भी जुड़े हैं, ग्वद से योगेश बैद जी एक डॉक्टर है, जो भी जुड़े हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, जय जय JMBD, जय जय JMBD।